नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल होने आए राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शरद चंद बिहार ने नर्मदा आंदोलन के विस्थापितों को लेकर एमएस टीवी से खास चर्चा की। समन्वय तो होने की कोशिश हो ही रही है। एक्चुअली जब मुख्यमंत्री ने मुझे भेजा था तो उसमें साफ लिखा था कि हम दोनों मिलकर अब समस्याओं को हल करेंगे, लेकिन जैसा होता है एक बार क्राइसिस खत्म हो जाता है तो थोड़ा ध्यान कम हो जाता है, इसलिए शायद इन लोगों को फिर से आना पड़ा है। वैसे तो मैं इन लोगों के साथ 84-85 जब से शुरू हुआ है तब से हूँ, 1985 से। तो खैर मालूम है, अभी इतनी बातचीत से दो मुख्य मुद्दे समझ में आ रहे हैं। एक मुद्दा यह है कि गुजरात की हठधर्मी के कारण, उसका कारण आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, बोलूँगा नहीं, इस वर्ष अचानक पानी को पूरा भर दिया गया, जबकि पहले से तय था कि उससे ऊपर नहीं जाएगा, और वो एक तरह से गैर कानूनी है। लेकिन जल आयोग ने लेकिन उसकी अनुमति दे दी थी, वही तो बात है ना, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो मतभेद है, अनुमति दी थी या नहीं दी थी ये मतभेद की बात थी। खैर एक तो अचानक भर जाने के कारण अप्रत्याशित समस्याएं भी पैदा हुई, और प्रत्याशित जो समस्याएं थी जिनका हल नहीं मिला था वो भी रह गई, तो दो प्रकार की समस्याएं हैं। इसलिए अभी जो हल है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया है आप जानते ही होंगे, आदेश दे दिया है कि मुख्यमंत्रियों की जो नर्मदा कंट्रोल की बैठक, हाँ उनकी बैठक होना है, तो वो बैठक होने वाली है, उसमें यहाँ मैं बातचीत करके और फिर सरकार से बातचीत करके कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस सारे मसाले को ले जाकर अगली जो बैठक होने वाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसमें बताया जाए कि इतनी समस्याएं आ गई हैं, इसलिए पहले आप तो घटाओ पानी को, जब पानी घटा दोगे और वो पिछले साल तक जो स्थिति थी उत्तम ला दोगे तो बहुत सारी समस्याएं फौरन हल होंगी। इसमें अभी एक टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छी आ गई है कि जो विवाद का कारण है, भरेगा नहीं भरेगा, कितना क्षेत्र, अब सैटेलाइट मैपिंग हो गई है, हर जगह के बारे में जानकारी मिल जाती है, और एक बार ये 100-101 भर गया तो अब इसके बाद ये है कि अब सैटेलाइट मैपिंग से भी ये जाना जा सकता है कि ये भराव का क्षेत्र कहाँ तक आया। क्वाइट, तो इस मामले में सरकार ने कोई पहल की या आप लोगों ने पहल की? देखिए ना, अभी तो सैटेलाइट मैपिंग कह रहे हैं, अभी तो बहुत क्लियरली जाके मौके पर देखा जा सकता है। ये कुछ वॉलेंटियर्स गए हैं, सरकार ने भी इनके साथ मिलकर कोई टीम तो बनाई है, गांव-गांव जाना, पंचनामा करना, जो समस्या है उसको देखना। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बार चूंकि पूरा पानी भर दिया गया तो सारी अप्रत्याशित समस्याएं भी मालूम हो गई हैं। इसलिए दूसरा तो पहला काम है कि पानी को घटाने के लिए नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी में मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ें, और जिसके लिए हम लोग जो भी मसाला दे सकते हैं देंगे। दूसरा सरल रास्ता इसका है कि वो हो जाए, उसके बाद मैं शुरू से कह रहा हूँ, अफसरों से मेरी बहुत बार बात हुई है कि एक कार्य योजना बनाएं जो 31 मार्च तक सारा पुनर्स्थापन का काम कर दिया जाए। काफ़ी टाइम है, अभी हम नवंबर में हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4-5 महीने का टाइम है, 4-5 महीने में ऐसा विस्थापन हो जाए, पुनर्वास हो जाए विस्थापित सभी लोगों का, कि अगली बरसात में समस्या ना पैदा। ये दो काम इसे कर देंगे, उसके लिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा टास्क फोर्स बना दिया जाए। आपकी राय में ऐसा कितना पानी घटा दिया जाए जिससे ये समस्या का समाधान हो जाए? वो होता है 22, जो 39 तक चले गए हैं, 22 कर दें, फिलहाल तो 34 तक का एग्रीमेंट हुआ था, वो 39 तक भी नहीं था, लेकिन 22 ला देंगे तो समस्या हल हो सकेगी। समस्या ठीक है, तो खैर कुल मिला के ये है। और जो आप लड़ाई की बात कर रहे थे, ये जो वैश्वीकरण वाला लड़ाई का मामला है उसका तो एक ही हल है। हाँ, आपने नॉवेल पढ़ा होगा, 1 मिलियन म्यूटिनीज, मैं कहता हूँ बिलियन हो गया हो, जब तक बिलियन म्यूटिनीज नहीं होंगी, किसान लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, जगह जगह लड़ेंगे, थोड़े थोड़े लड़ाई रहे, हाँ लड़ रहे हैं, लड़ना पड़ ही रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बिना लड़े काम नहीं चलेगा। तो खाली इसी देश में नहीं, आपने ध्यान दिया होगा, सारी दुनिया में लड़ाई हो रही है। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि अमेरिका और ब्रिटेन के राजनेता भी अब पूंजीपतियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और जो लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो लोग महत्ता पा रहे हैं। तो वही ये लड़ाइयाँ न केवल, आप समझिए, अमेरिका जो सबसे बड़ा वैश्वीकरण का समर्थक था वही अब नए ट्रेड बैरियर्स लगा रहा है, वही उसके खिलाफ जा रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि यह हम किसी जमाने में तो करने लगे थे पर यह बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है, नुकसान दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन इतने सारे खड़े हो रहे हैं वो कुल मिला के, एक बड़ी अच्छी किताब आई है सिविल रेजिस्टेंस मैटर्स, जिसमें 128 साल के
अहिंसक और हिंसक आंदोलनों का अध्ययन किया गया है और ये पाया गया है जो अहिंसक आंदोलन सिविल रेजिस्टेंस हुए हैं वो 58% लोग सक्सेसफुल हुए हैं और जबकि जो हिंसा वाले हैं वो केवल 28% हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यह अहिंसक आंदोलन ही रास्ता देगा। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं।